2021-22 में सरकार ये कहती है कि हमने हर रोज 28 किलोमीटर का रोड कंस्ट्रक्शन करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और ये सब तभी संभव हुआ है जब हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मैन पावर है, पैसा है, सब कुछ है, लेटेस्ट मशीनरी है, इसके बाद इतना संभव हो चुका है 28 किलोमीटर पर डे। लेकिन मैं आपको आज एक कहानी बताऊंगा जिसे सुनकर मुझे तो हैरानी हुई थी, आपका मुझे पता नहीं, आप बताइएगा आपको जानकर कैसा लगा कि आज से 500 साल पहले एक व्यक्ति ने 5 साल में 2500 किलोमीटर का रोड बना दिया था, मतलब हर साल 500 किलोमीटर से ज्यादा का रोड बना दिया था। अब ये संभव कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, वो वीडियो में अंत तक आप देखकर मुझे एक बार कमेंट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनरल नॉलेज का एक बहुत आसान सा सवाल है, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया? फटाक से जवाब आएगा, शेरशाह सूरी ने बनाया। आगे क्या, पीछे क्या, ऊपर क्या, नीचे का कुछ नहीं पता। हाँ, सब कॉन्शियस माइंड में फिट बैठा दिया कि जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाया। एक बार कैसे बनाया वो देख लेते हैं। शेरशाह सूरी का जो रूलिंग पीरियड है, जिसे हम शासनकाल बोलते हैं, वो था 1540 से 1545, मतलब 5 साल उसने राज किया था, जिसके दौरान हम ये कह सकते हैं उसने ये काम किया होगा। मतलब 5 साल में 2500 किलोमीटर का रोड बनाया, मतलब हर साल 500 किलोमीटर से ज्यादा का रोड बनाया। कब बनाया? 500 साल पहले उसने ये काम किया। ना तो कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, ना मशीनरी थी, ना मैन पावर भी कितनी कह सकते हैं, कितनी नहीं, कोई अंदाजा नहीं है। इसके बाद उसने ये असंभव कार्य किया कैसे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि अगर ये उसने किया है तो ताजमहल की जगह ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का नाम होना चाहिए। खैर छोड़िए, मैं आपको 2-3 जानकारी और देता हूं कि जो हमारे आचार्य पाणिनि है, शायद आपको नाम ना पता हो, आचार्य पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी लिखी थी, तो उस अष्टाध्यायी में एक उत्तर पथ का वर्णन उन्होंने किया है। और ये उत्तर पथ जानते हैं कौन सा है? ये उत्तर पथ है आपका जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। और आचार्य पाणिनि शेरशाह सूरी से कई सौ साल पहले हुए थे। आचार्य पाणिनि ने, इतिहास की जानकारी बता रहा हूं, आचार्य पाणिनि 700 ईसा पूर्व उन्होंने इसका वर्णन किया था। एक और बात बता देता हूं, एक और जानकारी दे देता हूं कि जब आप गूगल पर सर्च करेंगे कि जीटी रोड किसने बनवाया, तो आपके सामने नाम आएगा इस बेहतरीन कलाकार का, शेरशाह सूरी का। लेकिन जब आप ये लिखेंगे कि जीटी रोड की स्थापना कब हुई, तो आपके सामने एक जानकारी आएगी कि इसकी स्थापना हुई थी 300 ईसा पूर्व। तो मतलब ये हुआ कैसे? या तो शेरशाह सूरी 300 ईसा पूर्व पैदा हुआ था, और अगर वो 1540 में पैदा हुआ तो उसने जीटी रोड का निर्माण किया कैसे? मुझे तो समझ में आया नहीं, मुझे लगता है कि क्या पता आपको समझ में आ जाए, इसलिए जानकारी साझा कर रहा हूं। एक और जानकारी देता हूं, आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में वर्णन किया है कि वो तक्षशिला में जो है पढ़ाते थे, और उनकी जो है शिक्षा वगैरह भी जो है तक्षशिला, गुरुकुल तक्षशिला में हुई थी, विश्वविद्यालय में हुई थी। तो वो अक्सर गुरु को ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाने के लिए दक्षिण पथ से उत्तर पथ का रास्ता अपनाते थे, और इस रास्ते को वो आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। दक्षिण पथ मतलब दक्षिण भारत से उत्तर पथ, उत्तर पथ जो मैंने आपको बताया जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, और तक्षशिला कहां, आज के पाकिस्तान में जो है। इसका वर्णन आचार्य चाणक्य जी ने अपने अर्थशास्त्र में एक दो बार नहीं, काफी बार किया है। तो ये कुछ जानकारी थी, मुझे लगा कि आपको साझा कर लेनी चाहिए। अब जब आचार्य पाणिनि जी 700 ईसा पूर्व इतिहास की जानकारी के हिसाब से उत्तर पथ का वर्णन करते हैं, आचार्य चाणक्य जब अपने अर्थशास्त्र में उत्तर पथ का वर्णन करते हैं, और जब आप ये लिखते हैं कि जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना कब हुई, तो वो आता है 300 ईसा पूर्व से भी ज्यादा का समय। तो ये 1540 से 1545 में हुआ क्या? ये कहीं वही तो नहीं हुआ कि पहले एक मंदिर था,
उस मंदिर के ऊपर लेपापोती की गई और उसके बाद एक ढांचा खड़ा कर दिया गया। आप कमेंट करके एक बार मुझे इसकी जानकारी जरूर देना कि आपको इसके बारे में क्या लगता है। मुझे तो कुछ जानकारी मिली थी, मैंने आपके साथ साझा की है। एक बार आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।